राष्ट्र स्तर की नीट परीक्षा जो हजारीबाग से नीट पेपर लीक का मामला है उसकी जांच परत दर परत आगे बढ़ रही है। 21 जून को बिहार पुलिस अपने 7 सदस्यीय टीम के साथ हजारीबाग जांच करने पहुंची थी, लेकिन आज 26 जून है, महज 5 दिन में यह जांच अब आगे बढ़ गई और सीबीआई तक मामला पहुंच गया है। लगभग 3 टीम जो सीबीआई के 3 टीम है वह 3 टीम हजारीबाग पहुंचे हुए हैं और ओएसिस स्कूल, स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और ब्लू डार्ट कोरियर में तीनों टीम पहुंचे हुए हैं और तीनों टीम में लगभग 12 लोग बताए जा रहे हैं और यह लोग सीबीआई से हैं और सीबीआई से जांच करने नीट पेपर का लीक मामला में आज हजारीबाग पहुंचे। या वही स्कूल है ओएसिस स्कूल जहां पर नीट की एग्ज़ाम हुई थी, परीक्षा हुई थी, या परीक्षा 5 जून को हुई थी, जिसके बाद लगातार पेपर लीक का मामला प्रकाश में आया था और प्रकाश में आने के बाद बिहार पुलिस ने इसे संज्ञान में लेते हुए पटना से कुछ टीम हजारीबाग पहुँची थी और जाँच के लिए कुछ सबूत भी इकट्ठा किए थे, जिसके आधार पर इन सबूतों को सीबीआई को दी गई और जिसके बाद आज 3 टीम जो ओएसिस स्कूल हजारीबाग, भारतीय स्टेट बैंक और ब्लू डार्ट कोरियर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। मैं बता दूं कि आज ओएसिस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं एहसानुल हक और कोऑर्डिनेटर भी हैं नीट एग्ज़ाम के, उनसे पूछताछ की गई है, उनके आवास पर पूछताछ की गई है। अभी फ़िलहाल टीम जो है उनके स्कूल के कैंपस के अंदर मौजूद है और लगातार दस्तावेज, ज़रूरत के हिसाब से जो सबूत है वो इकट्ठा किया जा रहे हैं और जो स्कूल में एग्ज़ाम के दिन ड्यूटी में लगे हुए थे उनसे भी पूछताछ लगातार मुकम्मल तरीके से सीबीआई की टीम कर रही है। फिलहाल 3 सदस्यीय टीम है ओएसिस स्कूल में मौजूद है, कुछ लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मौजूद हैं और कुछ लोग ब्लू डार्ट कुरियर में मौजूद हैं। इस स्कूल का यह तस्वीर है जो मुख्य गेट है, यहाँ से एंट्री हो रही है और सीबीआई की टीम लगातार दस्तावेज को खंगालने की कोशिश कर रही है ताकि उन्हें जो नीट पेपर का लीक का मामला है वो मुकम्मल तरीके से उनको सबूत मिल सके और एक बार साक्ष्य से जो पर्दा राज पर पर्दा लगा हुआ है उससे पर्दा उठ सके। इसलिए सीबीआई की टीम हजारीबाग पहुंची हुई है। फिलहाल यह बड़ी अपडेट है, इसके बाद क्या होती है जांच पड़ताल के बाद आगे की जानकारी विशेष रूप से दी जाएगी। फिलहाल कुछ कहने से असमर्थ है कि जांच के दौरान अभी तक क्या मिला है। फिलहाल घंटों बीत चुके हैं लेकिन इस बीच किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं है। समाचार प्लस से सुबोध गुप्ता की रिपोर्ट, हजारीबाग, झारखंड।